अंबाला छावनी बस अड्डे पर रोडवेज द्वारा सीईटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क बस सेवा देने के तहत आज हेल्प डेस्क स्थापित किया गया। निशुल्क बस सेवा का लाभ उठाने के लिए युवा अपना पंजीकरण करवाने बस अड्डे पहुंचे। अंबाला छावनी बस अड्डे के प्रबंधक अजीत सिंह ने कहा कि 5 और 6 नवम्बर को सीईटी परीक्षा के लिए सरकार ने निःशुल्क बसें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। महिला यात्रियों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य भी निःशुल्क यात्रा कर सकेगा। उन्होंने कहा कि अंबाला से कैथल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और यमुनानगर के लिए बसें रवाना की जाएगी। सरकार ने परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए जनहित में जो सीईटी का पेपर हुआ होगा 5 और 6 नवंबर को, उसके लिए परीक्षार्थियों को फ्री किया हुआ है। जो फीमेल है लेडीज के साथ एक उसका घर का कोई सदस्य उसको फ्री किया हुआ है, उसके लिए हमने ताकि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा ना हो, उसके लिए सरकार के आदेशानुसार हमने बाड़ा कैंट बस स्टैंड पे एक हेल्प डेस्क पॉइंट लगा हुआ है सीईटी के विद्यार्थियों के लिए, और वो यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह है जोश उनमें, और अपनी सीट बुक करा रहे हैं। वहीं निशुल्क बस सेवा के लिए अपना पंजीकरण करवाने आए अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार का यह एक सराहनीय कदम है, वे इससे बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे। बस के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं, चंडीगढ़ सेंटर पर बने हैं, और सर ये सरकार की बढ़िया स्कीम है। मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने आया हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि हम रजिस्ट्रेशन में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, बढ़िया काम कर रही है। मेरा पेपर है जी चंडीगढ़ सीएट का, तो वहाँ पर फ्री योजना के लिए टिकट बुकिंग कर रहे हैं।